एवरीवन, मैं हूँ सुमन रॉय एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हमारे वीडियो का जो टॉपिक है वो ये है कि अगर आपका जो सेवेंथ हाउस का लॉर्ड है वो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में प्लेस्ड है तो उसके अकॉर्डिंग आपको कैसा स्पाउस मिलेगा। आपके स्पाउस के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम लोग और भी डिटेल में जानेंगे, पर उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू द एस्ट्रो विद्यालय चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन ताकि इस चैनल से रिलेटेड कोई भी वीडियोज़ आप मिस ना करें। और अगर आप मुझसे कोई भी पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो अभी आप लोग डिस्क्रिप्शन सेक्शन में चले जाइए, वहाँ से आपको सब डिटेल्स मिल जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगे देन एक लाइक कर दीजिएगा, कमेंट में अपना ओपिनियन ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा, और वीडियो को जो लोग एस्ट्रोलॉजी फॉलो करते हैं उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। हमेशा खुश रहिए, यही प्रार्थना के साथ डिस्कशन पर चलते हैं। अब देखिए, अगर आपका जो सेवन्थ हाउस का लॉर्ड है वो उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र में प्लेस्ड है तो उत्तरा भाद्रपदा जो नक्षत्र है वो 26 नंबर नक्षत्र है। ये नक्षत्र मीन राशि में पड़ता है और इस नक्षत्र के जो लॉर्ड है वो है शनिदेव। अब देखिए, यहाँ पे शनिदेव नक्षत्र लॉर्ड है तो कहीं ना कहीं हार्डवर्क, डेडिकेशन, ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स, डीले, लिमिटेशन, बाउंड्री, बहुत कुछ इस नक्षत्र के साथ एसोसिएटेड है। पर यहाँ पे देखिए, बस आपका सेवेंथ लॉर्ड अगर शनिदेव रूल नक्षत्र में प्लेस्ड है तो इसके कारण आपके मैरिज में डिले होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें देखनी होगी, जैसे कि आपके सेवेंथ हाउस में भी शनिदेव का अगर एस्पेक्ट पड़ रहा है या फिर सेवेंथ लॉर्ड यहाँ पर शनिदेव के साथ कंजंक्शन में प्लेस्ड है तो कहीं ना कहीं मैरिज में डिले शो करता है। पर अगर अर्ली मैरिज का कुछ योग है कुंडली में तो अगर 30 से पहले शादी हो भी जाए तो जो बॉन्ड है वो 30 के बाद जाके ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि शनिदेव बहुत ज़्यादा एक मैच्योर प्लैनेट है और कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बहुत ज़्यादा शो करते हैं। और शनिदेव रूल नक्षत्र में होने के कारण आपका जो मैरिज है वो आसानी से टूटेगा भी नहीं, मतलब एक लॉन्ग लास्टिंग मैरिज आप यहाँ पर सोच सकते हो। ठीक है, अब देखिए, इस नक्षत्र का जो मीनिंग है वो है द लेटर ऑस्पिशियस फीट, मतलब बाद में पड़ने वाली शुभ कदम। और इस नक्षत्र का जो सिंबल है वो है बैक लेग्स ऑफ अ फ्यूनरल कॉट, मतलब अंतिम संस्कार के लिए डेड बॉडी को जिस सैया में लेके जाते हैं उसी सैया का पिछले वाला पोर्शन। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा लिबरेशन, मोक्षा से कनेक्टेड है, स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड है। अब देखिए, इस नक्षत्र के जो डीटी है वो है अहिर बुद्धन्य, मतलब जिनको हम सर्पेंट गॉड कहते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा डीप वाटर में रहते हैं। मतलब आप इसको बहुत जगह पे शेषनाग के साथ भी यहाँ पे कंपेयर किया गया है, और यहाँ पे लक्ष्मी देवी भी बहुत ज़्यादा एसोसिएटेड है। क्योंकि यहाँ पे याद रखिएगा, जहाँ भी आप यहाँ पे सर्प एसोसिएटेड होते हुए पाओगे तो वहाँ पे ही आप वेल्थ को भी एसोसिएटेड होते हुए पाओगे, क्योंकि जो नाग होते हैं वो ज़्यादातर जहाँ पे बहुत सारा वेल्थ रहता है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे कुछ भी छुपा हुआ हिडन वेल्थ रहता है उसको प्रोटेक्ट करते हैं। नाग मनी का भी बहुत सारे स्टोरीज़ हैं जहाँ पे ये ही ज़्यादातर दर्शाया गया है, तो आप इसको ऐसे भी इसके साथ जोड़ के देख सकते हो। इसका मतलब क्या है कि आपके स्पाउस काफ़ी ज़्यादा वेल्दी होंगे, उनके पास ऐसा हो सकता है कि बहुत ज़्यादा इनहेरिटेंस हो, ज़्यादातर ये सेकेंड हाफ़ में उनको इनहेरिटेंस बहुत ज़्यादा मिल सकता है, क्योंकि उत्तरा जो है वो सेकेंड हाफ़ में मिलने वाली जो खुशियाँ हैं वो ज़्यादातर दर्शाते हैं। अब देखिए, यहाँ पे आपके स्पाउस थोड़े से इमेजिनेटिव पर्सन भी हो सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे मीन राशि में है तो थोड़ा सा अपने ड्रीम वर्ल्ड में रहना ये भी आप देख सकते हो, और बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन होंगे, इंटेलिजेंट होंगे और सभी को एक समान देखते होंगे। मतलब किसी भी पर्सन को खुद से कम देखना या फिर ऐसा कुछ नहीं है, मतलब हमेशा जो भी उनके पास आएंगे बहुत ही ज़्यादा एक बैलेंस्ड अप्रोच मेंटेन करके सभी के साथ घुलना मिलना आप ये उनके अंदर देख सकोगे, मतलब भेदभाव में बिल्कुल भी वो बिलीव नहीं करते होंगे। तो देखिए कितना ज़्यादा पॉजिटिव पॉइंट है ये। और यहाँ पे आपके स्पाउस ना बहुत ही ज़्यादा केयरिंग होंगे, नर्चरिंग होंगे, प्रोटेक्टिव होंगे अपने फैमिली के लिए भी और आपके लिए भी, क्योंकि इस नक्षत्र का जो एनिमल सिंबल है वो है अ फीमेल काउ, मतलब इस नक्षत्र का योनि आप इसको कह सकते हो, तो जो कि फीमेल काउ के साथ एसोसिएटेड है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे कह रही हूँ कि आपके स्पाउस बहुत ही ज़्यादा केयरिंग होंगे, मतलब एक सेल्फ सैक्रिफाइसिंग जो नेचर है वो भी आप अपने स्पाउस के अंदर देख सकोगे। मतलब
ये जिनको भी प्यार करेंगे ना, उनके लिए खुद को भी समर्पित करने की जो भावना है वो आपके स्पाउस के अंदर होगी। और यहाँ पे देखिए, आपके स्पाउस ना बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल पर्सन होंगे, क्योंकि ये नक्षत्र एंडिंग वाला जो नक्षत्र है वो है, क्योंकि इसके बाद ही रेवती आ जाता है, तो एंडिंग पोर्शन का नक्षत्र है और बहुत ही ज़्यादा मोक्ष से कनेक्टेड है। तो ऐसा हो सकता है आपके स्पाउस बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड हो, मेडिटेशन योगा वगैरह करते हो, एस्ट्रोलॉजी का बहुत ज़्यादा नॉलेज हो, या फिर ऑकल्ट से रिलेटेड कोई भी सब्जेक्ट, टैरो कार्ड रीडिंग का भी बहुत ज़्यादा उनको शौक हो सकता है, या फिर वो एस्ट्रोलॉजर, टैरो कार्ड रीडर, इन सब प्रोफेशन में भी वो हो सकते हैं। और यहाँ पे देखिए, बेसिकली ये आपके जो स्पाउस होंगे ना, मतलब कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ये ओल्ड सोल होंगे, मतलब क्योंकि जुपिटर का एनर्जी है, सैटर्न का एनर्जी है, एंडिंग नक्षत्र है, तो एक ओल्ड मेच्योर सोल आप यहाँ पे देख सकते हो। ये लोग कोई भी काम करने में ना ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करते होंगे, बहुत ज़्यादा एक डिसिप्लिन वे में काम करना आप उनके अंदर देख सकोगे, मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ पे थोड़ा सा स्लो वो काम करते होंगे, जल्दबाजी वाला जो फैक्टर है वो आप उनके अंदर नहीं देख पाओगे। अब अगर मैं प्रोफेशन की बात करूँ तो ऑकल्ट से रिलेटेड कोई भी प्रोफेशन में वो हो सकते हैं, या फिर टीचर हो सकते हैं, स्पिरिचुअल टीचर हो सकते हैं, योगा मेडिटेशन से रिलेटेड यहाँ पे उनका कुछ प्रोफेशन हो सकता है, थेरेपिस्ट हो सकते हैं, बैंक में भी वो नौकरी कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे आपके स्पाउस को ना घूमना फिरना भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता होगा, स्पेशली फॉरेन लैंड में जाके घूमना ये उनका एक शौक रह सकता है, या फिर फॉरेन रिलेटेड भी उनका कुछ प्रोफेशन हो सकता है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे अगर मैं फिजिकल अपीयरेंस की बात करूँ तो आपके स्पाउस के फेस में ही ना, मतलब एक काम अपीयरेंस आपको नज़र आएगा, बहुत ही ज़्यादा एक शांत स्वभाव उनका होगा और एक इनोसेंस रहेगा उनके फेस में। और यहाँ पे उनका जो हाइट है वो शॉर्ट टू मीडियम हाइट हो सकता है, और यहाँ पे बॉडी स्ट्रक्चर थोड़ा सा लार्ज बॉडी स्ट्रक्चर आपको दिखने को मिल सकता है, आइज़ उनकी ब्राइट आइज़ यहाँ पे आपको दिखने को मिलेगी, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा एट्रैक्टिव होंगे, स्पेशली अगर आप ये अपने वाइफ के लिए देख रहे हो तो वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल होंगे, और ऐसा हो सकता है उनकी तरफ बहुत लोग अट्रैक्टेड भी होते हो। और बहुत ही ज़्यादा आप जब भी उनके साथ बात करोगे ना, आपको एक रिफ्रेशिंग फील होगा, तो जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव पॉइंट है। और यहाँ पे अगर आप वाइफ के लिए देख रहे हो तो आपके वाइफ, मतलब शादी के बाद एक लक्ष्मी जब घर में आती है तो घर में कैसे, मतलब वेल्थ वगैरह बढ़ना शुरू हो जाता है, ग्रोथ होना शुरू हो जाता है, तो आप भी ये अपने मैरिज के बाद देख सकोगे, मतलब आपकी वाइफ आपके लिए लक्ष्मी स्वरूप रहेगी, तो बहुत ही ज़्यादा लकी होंगी आपके लिए वो, ठीक है। और घर के सभी कामों में बहुत ज़्यादा अच्छी हो सकती है, जैसे कि मैंने पहले ही कहा था कि बहुत ज़्यादा नर्चरिंग कैपेबिलिटी आप उनके अंदर देख पाओगे। और अगर आप ये मेल के लिए भी देख रहे हो तो वो भी बहुत ज़्यादा शांत स्वभाव के होंगे, बहुत ही ज़्यादा दूसरों के मदद करने में ज़्यादा बिलीव करते होंगे, ये लोग ज़्यादातर गुस्से में तो बहुत जल्दी नहीं आते हैं, पर हाँ अगर थोड़े से गुस्से में आ भी जाए तो वो बहुत जल्दी ठीक भी हो जाते हैं, तो यहाँ पे गुस्से को लेके कोई नेगेटिव इश्यूज़ नहीं होगा। अब देखिए, यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा नेगेटिव थिंग्स की अगर मैं बात कर ही लूँ तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आपके स्पाउस थोड़े से लेज़ी हो, क्योंकि ये मीन राशि में पड़ता है, तो कहीं ना कहीं जैसे मैंने कहा कि थोड़ा सा इमेजिनेशन में रहना, तो इसी वजह से काम में भी थोड़ा सा लेज़ीनेस उनका रह सकता है, और यहाँ पे कभी कभी बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड भी वो फील करते होंगे, ये भी हो सकता है, या फिर बहुत ज़्यादा अगर कोई अकेला रहना चाहे तो फिर वो शादी में कहीं ना कहीं नेगेटिवली इम्पैक्ट डाल ही देता है, तो इसी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, बट अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा यहाँ पे नेगेटिव थिंग्स कुछ नहीं है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे आपके स्पाउस बहुत ही ज़्यादा एक चैरिटेबल नेचर के होंगे, मतलब सोशल वर्क में बहुत ज़्यादा बिलीव करते होंगे, और कहीं ना कहीं यहाँ पे एनजीओ वगैरह में भी वो इन्वॉल्व रह सकते हैं। और जैसे कि मैंने कहा कि ये जो स्टार है इसको वॉरियर स्टार भी माना जाता है, तो जो भी इनके लाइफ में डिफ़िकल्ट सर्कमटेंसेस क्यों ना आ जाए, ये बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक रहेंगे, मतलब वहाँ से भी ओवरकम करने की जो कैपेबिलिटी है वो आप अपने स्पाउस के अंदर देख पाओगे। तो किसी भी सिचुएशन में ना उनके चेहरे पे हमेशा एक स्माइल आप देख पाओगे, मतलब
अंदर से बहुत ज़्यादा वो टूट नहीं जाएंगे। तो हमेशा एक हैप्पी गो लकी पर्सन ही आप यहाँ पे देख सकोगे। और यहाँ पे देखिए, आपके स्पाउस को ना ऐसा हो सकता है कि बच्चे बहुत पसंद हो और चिल्ड्रन से काफ़ी ज़्यादा उनको लगाव हो, और चिल्ड्रन उनके लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल भी प्ले कर सकता है। अब देखिए, अगर मैं ओवरऑल देखूँ तो आपके स्पाउस काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव होंगे और यहाँ पे किसी भी सिचुएशन में खुद को ढाल लेने की जो कैपेसिटी है, मतलब एडजस्टेबल नेचर भी आप उनके अंदर देख पाओगे। और यहाँ पे उनका जो नॉलेज होगा ना, वो बहुत ही ज़्यादा डीप नॉलेज होगा किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर, स्पेशली स्पिरिचुअलिटी के ऊपर, रिलीजियस स्क्रिप्चर के ऊपर उनका जो नॉलेज है वो काफ़ी ज़्यादा डीप होगा। और इनको ना क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा ये लोग अच्छे से ले नहीं पाते होंगे, तो यहाँ पे उसकी वजह से थोड़ा सा जो सेंसिटिव नेचर है वो भी आप उनके अंदर देख पाओगे। और यहाँ पे एक और नेगेटिव थिंग है, ऐसा भी हो सकता है कि मतलब अगर मीन राशि में है, उत्तर भाद्रपद में आपका सेवेंथ लॉर्ड है, तो थोड़ा बहुत मतलब अल्कोहल या फिर ड्रग्स या फिर बहुत ज़्यादा फिजिकल इंटीमेसी के ऊपर भी इनका इंटरेस्ट रह सकता है। पर ये अगर बहुत ज़्यादा आपके कुंडली में ख़राब हो रहा है, मतलब जो आपका सेवेंथ लॉर्ड है या फिर नक्षत्र लॉर्ड भी, मतलब सैटर्न भी अच्छी जगह पे प्लेस नहीं है, तो ये ज़्यादातर हो सकता है। बट अदरवाइज़ ये देखा गया है कि सैटर्न रूल्ड है, तो कहीं ना कहीं इनका खुद के ऊपर भी बहुत ज़्यादा कंट्रोल होता है, तो एडिक्शन वाला जो चीज़ है वो तो ज़्यादातर नहीं देखा जाता, पर कुछ कुछ चीज़ों में या फिर कुछ कुछ केसेस में भी वो देखा गया है। मतलब 30-40% आप इसको ऐसे सोच सकते हो कि थोड़ा सा एडिक्टेड नेचर, मतलब जो गलत चीज़ें हैं उनकी तरफ एडिक्शन, स्पेशली इनिशियल स्टेज में उनको ऐसा हो सकता है, बट बाद में जाके उनको सब रियलाइज़ होगा और उसके बाद जो स्पिरिचुअलिटी है उनके तरफ उनका जो इंटरेस्ट है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा। स्पेशली मैंने जो पॉजिटिव गुण कहा है वो ज़्यादातर आपको उनके अंदर लेटर लाइफ में ही ज़्यादा दिखने को मिलेगा। और बहुत ही ज़्यादा एक फैमिली लविंग पर्सन होंगे, वेल मैनर्ड होंगे, सबके साथ बहुत अच्छे से बिहेव करते होंगे, बड़ों का रेस्पेक्ट करते होंगे, तो ओवरऑल बहुत ही ज़्यादा एक लविंग नक्षत्र है, सुंदर नक्षत्र है। तो अगर आप इनके साथ बहुत अच्छे से तालमेल बिठा के चल पाओ तो आपका जो मैरिड लाइफ है वो काफ़ी ज़्यादा हैप्पीनेस से भरा हुआ रहेगा। ठीक है, तो आज का जो डिस्कशन है वो यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।